अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम दुपट्टे के लिए क्रोशिया की बहुत ही आसान सी डिज़ाइन बनाएंगे, और ये डिज़ाइन बिगनर से भी बहुत आसानी से अपने दुपट्टे पे बना सकती हैं। ठीक है, तो मैं सिल्क धागे से बनाने जा रही हूँ। आपके पास जो भी धागा हो, कॉटन का, नायलॉन का, कोई भी धागे से आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है, फटाफट से आप बना भी लेंगे इस डिज़ाइन को। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। और सिंगल क्रोशिया से अटैच करते हुए फिर तीन चैन लेके डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चैन डबल क्रोशिया के साथ पहले बेस लाइन आप पूरे दुपट्टे पे बना लें, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनेगी हमारी। अगर आप बेस नहीं बनाना चाहते तो बगैर बेस के भी डिज़ाइन को बना सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं बाद में आपको बता दूंगी। तो आप बेस लाइन के साथ भी बना सकते हैं, बिना बेस लाइन के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेस लाइन पूरी कर लेती हूँ, फिर इसके आगे डिज़ाइन कैसे बनेगी वो हम देखेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह देखिए बनाते जाना है। तो इस तरह से देखिए बेस हमारी पूरी हो गई। और आप ये डिज़ाइन जब दुपट्टे पे बनाएं ना, तो बेस भी सीधी तरफ से बनाएं दुपट्टे के, और डिज़ाइन भी सीधी साइड से बनाएं। तो ये मैं सिंपल डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं टर्न हो जाऊँगी। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब एक गैप छोड़ के दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह। अब तीन चैन लेके ये जो दो धागे दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर से इस तरह बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। और फिर सेम गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर तीन चैन लेते हुए दो धागों से अंदर जाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेम गैप में डबल क्रोशिया इस तरह से। जैसे अभी ये दो बने हैं ना, तो ऐसे हम दो और बना लेंगे। मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बना रही हूँ, ताकि बिगनर्स आसानी से देख सकें। अक्सर मेरी वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि थोड़ा सा स्पीड कम करिए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी थोड़ा स्पीड कम करके वीडियो बनाऊँ। इस तरह देखिए ये चार बन गए इस तरह से। अब आखिरी में उसी में एक डबल क्रोशिया बना के इस तरह ये छोटा सा हमारा फूल बन गया है। अब एक स्पेस छोड़ के दूसरे वाले में अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से देखिए। अब एक गैप छोड़ के दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर इसी तरह से हम फूल बनाएंगे। तीन चैन लेके दो धागों से अंदर जाते हुए बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, बहुत आसानी से बिगनर्स भी बना सकती हैं। और बेसिक सबसे पहले आप सीख लीजिए सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया, ये सब क्या होता है, तो फिर आप आसानी से कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक की को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन शुरू करेंगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। इस तरह देखिए चार इस तरह पिकॉट बन गए। अब आखिरी में हम एक डबल क्रोशिया बना के इस तरह से एक छोड़ के दूसरे स्पेस में
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो धागे को निडल पे लेते हैं, जब सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो धागे को निडल पे नहीं लेना है, दूसरे स्पेस में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, बस इसी तरह से हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। तो एक गैप छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया। तो मैं थोड़ी सी और आगे डिज़ाइन बना के फिर दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसे आएगा अगर आप पूरे दुपट्टे पे बनाएंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए गाइस, डिज़ाइन हमारी बनके तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। आप पूरे दुपट्टे पे बनाएंगे ना, बहुत ही सिंपल सा और नाजुक सा लुक आएगा डिज़ाइन का। तो आप लोग ट्राई करिएगा इस डिज़ाइन को, और अगर आप इस डिज़ाइन को जो है बिगर बेस के बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ, ए फुल बना के किस तरह आप बनाएंगे। तो यहाँ से मैं शुरू करके बताती हूँ, थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले आप सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लीजिएगा इस तरह। अब आप अंदाजे से तकरीबन इतनी दूर निडल को रखते हुए बनाइए डबल क्रोशिया इस तरह। अब तीन चेन और यहाँ पे क्रॉस में सिंगल क्रोशिया उसी तरह बनाना है। अब इसी स्पेस में आपको बना लेना है उसी तरह से चार फूल जैसे ये बनाई हूँ। एक और बना लेते हैं, इस तरह देखिए चार फूल बन गए। और यहाँ पे आखिरी में एक डबल क्रोशिया बना ली। अब बस आप ऐसे निडल को रखिए और जहाँ पे ये डबल क्रोशिया बराबर से आ रही है उसी जगह पे अटैच कर लीजिए सिंगल क्रोशिया से इस तरह। और फिर जैसे यहाँ पे इतनी दूर है ना, तो बस तकरीबन उतनी ही दूर पे आपको यहाँ से फिर से शुरू करना है डबल क्रोशिया बनाते हुए। बस इस तरह से आप बिगर बेस के भी बना सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा लुक आएगा। मैं एक फुल और बना के दिखाती हूँ, अगर आप बिगर बेस के बनाना चाहते हैं तो इसका लुक किस तरह से आएगा। तो आप लोग वीडियो को देखा करिए और कमेंट्स भी कर दिया करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ठीक है, इस तरह बना के आखिरी में एक डबल क्रोशिया उसी जगह बना के इस तरह से, और फिर इस तरह अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशिया के। तो अगर आप बिगर बेस के बनाएंगे तो डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखेगी, अगर आप बेस के साथ बनाएंगे तो इस तरह से दिखेगी डिज़ाइन। एक जैसे बारीक सी लेस होती है दुपट्टे पे, आजकल बहुत लगी इस तरह से नाजुक नाजुक सी लेस लगी होती है ना, बिल्कुल सी उसी तरह से लुक आएगा। तो बहुत आसानी से आप अपने दुपट्टे पर बना सकती हैं, चारों तरफ दुपट्टे पर बनाइए और फिर मुझे कमेंट्स भी करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये डिज़ाइन। अगर आपको ये वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।